हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। यस, सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के ब्यूटीफुल से पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओ माय गुडनेस, एनर्जीज कुछ ऐसी आई हैं कि जो कि बता रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेटेड हैं, लेस कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। ऐसा लगता है कुछ लोगों का रिश्ता एक ही जगह पर इतने टाइम से अटक गया है कि समझ ही नहीं आता कि इस रिश्ते में न्याय मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा। आप दोनों का कनेक्शन ना फ्रेंड्स टोटली स्टक हो गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है इन्हें लगता हो कि शायद आप ही ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है एंड ये वेट कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का। ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन आपके साथ सीक्रेट लेवल पर रिश्ता रखना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं एंड आपकी लाइफ में री एंटर होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्शन होने लगा हो। अब आप लोग रिस्पेक्ट चाहते हो, सबके सामने आना चाहते हो, एक वेल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में रिश्ता रखना चाहते हो, बट आपके पर्सन आज भी सीक्रेट वेडिंग, सीक्रेटिवली लिविंग रिलेशनशिप, फ्रेंड विद बेनिफिट, इन सब से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने ही इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो और अब ये पर्सन आपको लेकर डेस्परेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपके साथ बात करने का, चीज़ों को रीस्टार्ट करने का बस एक मौका ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को समझ में आ रहा है कि उन्हें आपकी आदत पड़ चुकी है एंड उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स इन्हें ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेटेड हैं ये, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। इनका मन ऐसा हो रहा है कि जैसे आपको सुना दें, आपसे झगड़ा करें, आपसे आर्ग्यू करें, हो सकता है ये गैस लाइटिंग करें एंड आप ही को बोलें कि यार आप ही इनसे प्यार नहीं करते, आप ही इन्हें चीट कर रहे हो, आपने इनके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया है। हो सकता है इनके वर्ड्स कुछ ऐसे भी रहें आपके लिए या ऑलरेडी ये सब बोल चुके हों ये, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि किसी भी वे से ये कनेक्शन रीस्टार्ट हो जाए, चाहे आपको गिल्ट फील करवा के रीस्टार्ट क्यों ना करना पड़े। मेडिसिन व्हील है, हर हाल में ये इंसान रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, प्रोग्रेस चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, पहले जैसा आपका प्यार, अटेंशन और पैम्पर चाह रहे हैं। फ्रेंड्स अगर मैं जोडियक्स की बात करूं तो यहां पर हैं जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियंस। यस, ये एनर्जीज, ये जोडियक्स यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं। हो सकता है ये जोडियक्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो। फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ अगेन डेटिंग जोन में आना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं एंड इस कनेक्शन को बचाने के लिए ये अपनी स्टबर्ननेस, यस, अपने जिद्दी बिहेवियर को छोड़कर हो सकता है वन स्टेप आगे लें। आप में से कुछ लोगों के पर्सन के ना पैटर्न बहुत ख़राब है, जैसे ये एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं, रोमांटिकली, फिजिकली, कहीं पर भी फ्लर्ट करना, किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करना, फिजिकली, रोमांटिकली, हर वे से, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग बहुत इरिटेट हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें आप चाहिए तो उन्हें खुद में सुधार लाना होगा।
टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज है फ्रेंड्स, ये इंसान आपके साथ यू नो एज अ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंड ये किसी भी तरह की जो भी ये सिनारियो चल रहा है इसको ओवर करके आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, ऐसा लग रहा है आपको खोकर ये इंसान बहुत परेशान है, हार्ट ब्रोकन है, एंड कहीं ना कहीं जैसे इन्हें फील होता है कि आपने इनके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया है या आप कर लोगे तो इनके दिल में छुरियाँ सी चल जाती हैं। इन्हें लगता है कि जैसे इन्हें ही धोखा मिलता है, इन्हें ही प्यार नहीं मिलता, इन्हें ही लोग चीट करते हैं, इन्हीं के साथ बुरा होता है, वो वाइब्रेशन इनकी है। फ्रेंड्स, आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवर करके थिंग्स पहले की तरह ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, एंड ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन इस टाइम आपको लेके तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंड आपको सजता धजता देखकर, अपने लाइफ में ग्रो करता हुआ देखकर, आगे बढ़ता हुआ देखकर ये पर्सन ह्यूमिलेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि अब आपको इनकी इनकी बहुत ज़्यादा फिकर नहीं है, परवाह नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए डेस्परेट होना शुरू हो गए हैं। हम चेक कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इनका इमीडिएट मूव क्या होगा। फ्रेंड्स, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। ऑल राइट, फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स मेरे साथ 1-to-1 बुक करा सकते हैं। ईजली व्हाट्सएप करें एंड अपनी पर्सनल रीडिंग्स को मेरे साथ बुक कराएं, जिसमें आपकी रीडिंग होगी, आपको गाइडेंस, आपको रेमेडीज प्रोवाइड की जाएंगी जो कि हेल्प करेंगी सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, यहाँ पे मून की एनर्जी है, थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट मूव की बात मैं अगर बोलूँ तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना दिन और रात आपको स्टॉक करेंगे, आपको स्पाई करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, और थर्ड पार्टी कौन है जो आपके लाइफ में आ गया है या फिर आ गई है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, ये सोच सोच कर ये पर्सन पागल होंगे। एंड ऐसा भी लग रहा है कि फ्रेंड्स ये पर्सन किसी से आपके लिए रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, एंड बहुत ही क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए, सब कुछ बाय हार्ट चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए एंड आप दोनों का कनेक्शन पहले जैसा ब्राइट हो जाए। अब मैं चेक कर रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए मीनवाइल क्या गाइडेंस है। ओम गौरी शंकराय नमः, द सन की एनर्जीज हैं, पेज ऑफ वैंस की एनर्जीज हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ऑल राइट माई डियर व्यूअर्स, आपको अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में, अपनी ग्रोथ पर अटेंशन देनी है, ध्यान देना है, नए नए रिश्तों को, नए नए थिंग्स को, फ्रेंड्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, अधेयर करना है। विद इट, अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपको हीलिंग करानी चाहिए या इस कनेक्शन को हील करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको करने की नीड है। योर एम्ब्रेस योर फ्रीडम, क्रिएट अ ब्यूटिफुल ड्रीम एंड मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकली नहीं, इंट्यूटिवली एफर्ट्स लगाने की नीड है। ये आप मेडिटेशन के ड्यूरिंग लगा सकते हो, हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करके लगा सकते हो, किसी से हीलिंग लेकर करवा सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे आप कराएं। ऑलराइट, मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। टेक केयर।